अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हमजा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एच के टेक वाला। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जो है ना व्यूज़ यूट्यूब पर बहुत कम आते हैं, लेकिन जिन्होंने आपसे बाद यूट्यूबिंग स्टार्ट किया ना उनके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं, और जो है ना वो कुछ ही अर्से में एक तो है ना आपसे व्यूज़ में भी आगे बढ़ गए हैं और दूसरा सब्सक्राइबर में भी आगे बढ़ गए हैं। हालांकि जो है ना आपकी वीडियोज़ ज़्यादा है, आपके व्यूज़ जहाँ पर 10 आते हैं तो उनके जो है ना व्यूज़ 50-60 आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस बात का जीता जागता सबूत जो है वो मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मुझे यूट्यूबिंग स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट कुछ 1.5 साल हो गए हैं। जो मेरा दूसरा चैनल है व्लॉगिंग चैनल एच के आबासी जिसका नाम है, तो ऑलमोस्ट मैंने कुछ 50+ वीडियोज़ मेरी हैं उस चैनल पर। तो उसकी जो टोटल अभी तक व्यूज़ हैं वो हैं जी 4,000 व्यूज़। और जो मेरा कज़न है उसने जो है ना यूट्यूब स्टार्ट किया, उसको अभी तकरीबन 1 महीना भी नहीं हुआ, उसके ऑलमोस्ट जो है ना व्यूज़ वो 3,000+ हो गए हैं, मेरे 4,000+ हैं। तो उसकी जो सब्सक्राइबर है वो भी जो है ना मेरे सब्सक्राइबर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। तकरीबन कुछ 1.5 हफ्ते के अंदर जो है ना उसके जो है ना सब्सक्राइबर मेरे से ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसे क्यों होता है यार? ये तो जाती हुई ना, हमने जो है ना पहले यूट्यूबिंग स्टार्ट की हुई है, हमारे कम व्यूज़ आते हैं और हमारी वीडियोज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और जिन्होंने बाद में जो है ना यूट्यूबिंग स्टार्ट किया उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं और उनकी जो है ना अभी तक वीडियोज़ भी बहुत कम है, और उनका जो एक्सपीरियंस है यूट्यूब पर वो भी हमसे जो है ना बहुत कम है। तो ये तो जाना सरासर जाती हुई कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे व्यूज़ नहीं आते, उनकी इतनी मेहनत भी नहीं होती और उनका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना वो काफ़ी अच्छे व्यूज़ दे रहे हैं। तो इस चीज़ के जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं। वो कैसे, वो आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, आपके यूट्यूब पर व्यूज़ जो है ना इसलिए कम आते हैं क्योंकि आपने यूट्यूबिंग जब स्टार्ट की थी उसकी जो है ना कुछ अर्से बाद आपने यूट्यूबिंग छोड़ दी, और जो है ना फिर बहुत लंबे अर्से के बाद आपने दोबारा स्टार्ट की, जिसकी वजह से ना जो है ना आपके व्यूज़ बहुत कम आते हैं। अब जो न्यू यूट्यूबर है जो मतलब आपके ऑपोजिट है, उसकी ज़्यादा व्यूज़ इसलिए आते हैं क्योंकि जैसे जब से उसने जो है ना यूट्यूबिंग स्टार्ट किया तो वो कंटिन्यू अभी जारी रख रहा है, तो इसलिए उसके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो यूट्यूब की ये एक स्ट्रैटेजी है कि जो है ना जब आप यूट्यूबिंग स्टार्ट करते हैं तो आप जब तक आप कंटिन्यू रखेंगे तो जो है ना यूट्यूब आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन जब जो है ना आप बहुत ऐसा यूट्यूबिंग छोड़ देंगे तो जो है ना यूट्यूब सपोर्ट करना बंद कर देगा। और दूसरी बात ये भी होती है कि जो है ना जब आप पहले से कंटिन्यू रख रहे होते हैं तो जो आपके सब्सक्राइबर्स आते हैं, मतलब आपने चैनल बनाया, आपने 2 महीने जो है ना चैनल रन किया, उस पर वीडियोज़ अपलोड किए और जो है ना प्रॉपर उसको टाइम दिया, तो आपके जो है ना 2 महीने के अंदर जितने सब्सक्राइबर होंगे ना, तो उसके बाद जो है ना आप 6 महीने जो है ना अपने चैनल छोड़ देते हैं, कोई वीडियोज़ नहीं अपलोड करते, तो वो जो 2 महीने के सब्सक्राइबर आपके होंगे ना वो जो है ना पता नहीं कितनी बार अपने जीमेल चेंज कर चुके होंगे। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि जो है ना जब हम अब हमारा तो यूट्यूब चैनल है ना इसलिए जो है ना हम जीमेल अपने चेंज नहीं करते, लेकिन पहले हम ऐसा करते थे जब जो है ना हमारा यूट्यूब चैनल नहीं था तो जैसे जो है ना हम मोबाइल चेंज करते थे यहाँ पर मोबाइल रिस्टोर करते थे तो जो हमारी पहली जीमेल है उसका हमें पासवर्ड याद नहीं रहता था, तो हम जो है ना पासवर्ड के चक्करों में हम यही कहते थे कि यार आसान तरीका है न्यू जीमेल बना देते हैं, तो वो जो सारे आपके सब्सक्राइबर होते हैं ना वो आपके डेड हो चुके हैं, उनका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, और उसकी वजह से जो है ना चैनल फ्रीज हो जाता है। मतलब ये कि चैनल पर जो है ना बहुत कम व्यूज़ आते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके ऊपर आना पड़ता है, तब जाकर आपके थोड़े बहुत जो है व्यूज़ बढ़ते हैं। अभी मेरे खुद के साथ ऐसे हुआ, मैंने जो है ना जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, तो जो है ना मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, तो जिसकी वजह से मैंने पूरे 8 महीने जो है ना वो यूट्यूबिंग की ही नहीं। पहले मैंने 2 महीने की थी तो मेरे काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आते थे और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी काफ़ी बढ़ गए थे, लेकिन जब मैंने 8 महीने यूट्यूबिंग छोड़ दी तो उसके बाद जैसे ही मैंने स्टार्ट की तो भाई साहब मेरे कुछ 5-10 व्यूज़ से ज़्यादा आ ही नहीं रहे थे। तो फिर जो है मैंने लिंक शिंक सेंड करके इधर उधर किए, फिर भी जो है ना अभी मेरे कोई अच्छे व्यूज़ नहीं आते। व्लॉगिंग चैनल की बात करूँ तो उसके मुकाबले में जो मेरा जो है ना कज़न है उसने अभी अभी यूट्यूबिंग स्टार्ट किया और उसके जो है काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। तो मैंने अपने कज़न की चैनल की जो एनालिटिक्स है वो चेक किया, तो एनालिटिक्स में जो है ना उनके जो नॉर्थ सब्सक्राइबर हैं जो उनकी वीडियो वॉच करते हैं वो है जी 60%, और जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वो जी हैं जी 40%। मतलब जो है ना उनकी हर वीडियो पर 60% जो है ना वीडियो यूट्यूब सजेस्ट करता है किसी नए बंदे को, तो वो जो है ना वो वीडियो देखते हैं। और अगर आप यूट्यूबिंग कर रहे हैं तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो है ना अपने चैनल को कंटिन्यू रखें। अगर आपसे डेली वीडियो नहीं बन रही तो आप 2 दिन बाद वीडियो अपलोड कर लें, 3 दिन बाद वीडियो अपलोड कर दें, यहाँ पर जो है ना एटलीस्ट 1 हफ्ते बाद जो है ना वीडियो अपलोड कर दें, लेकिन ऐसा नहीं करना कि पहले आप जो है ना डेली वीडियो अपलोड करते थे और जो है ना बाद में आप 3-4 महीने के लिए या 5-6 महीने के लिए अपना यूट्यूब चैनल बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जब आप दोबारा जो है ना यूट्यूबिंग स्टार्ट करेंगे तो जो आपके पहले सब्सक्राइबर जितने भी होंगे वो डेड हो चुके होंगे, क्योंकि
वो जो पहले सब्सक्राइबर है वो पता नहीं कितनी बार जो है ना अपने जी मेल चेंज कर चुके होंगे, तो जो है ना वो उसमें से आपके काफ़ी कम सब्सक्राइबर जो एक्टिव होंगे वो बचेंगे, तो जो है ना आपका चैनल जो है वो फ्रीज हो जाएगा, तो आपके जो ना व्यूज़ भी अच्छे नहीं आएंगे। फिर जो है ना वो कहते हैं ना कि दीवार में सर मारने वाली बात होगी, तो फिर आपके जो है ना वो बात होगी कि आप वीडियोज तो अपलोड करेंगे लेकिन उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर जो है ना आप आपका कोई पहले चैनल मौजूद है तो आप जो है ना उसको रन करने के बारे में सोच रहे हैं कि उस पर जो है ना सब्सक्राइबर भी है तो मैं उसको ही चलाता हूँ, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके जो है ना उस चैनल पर सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा हैं तो फिर बेशक आप जो है ना उसको रन कर लें, लेकिन अगर आपके सब्सक्राइबर कम हैं और आपके व्यूज़ भी उस चैनल पर कम हैं तो मैं यही कहूँगा कि उस चैनल को रन करने से बेहतर यही है कि आप जो है ना एक न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दें। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मस्ट लाइक करें और पैसे नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।